प्रिय मित्रों, आज हम माधवी का प्रथम अंक का दृश्य 2 पढ़ेंगे। और दृश्य 2 जैसे ही प्रारंभ होता है, हम लोगों ने यह देखा और जाना कि जो कथावाचक है, जो नाटक का एक प्रमुख अंग माना जाता है, वह हमें सारी स्थितियों की जानकारी देता है और यह बताता है कि आर्यावर्त में अश्वमेधी घोड़ा मिलना बड़ा ही विरल है। मिलना तो बहुत दूर की बात है, अश्वमेधी घोड़े को किसी ने देखा भी नहीं है। यह वह घोड़ा है जिसका शरीर सफ़ेद और कान काले रंग के होते हैं। इसी कारण इस अश्वमेधी घोड़े को श्यामकर्णी भी कहते हैं। यह मात्र और मात्र पराक्रमी राजाओं के पास मिलता है और ये पराक्रमी राजा जब अश्वमेध यज्ञ करते हैं तो यज्ञ के दौरान इन श्यामकर्णी घोड़ों का प्रयोग किया जाता है। अब यह घोड़ा जिसकी संख्या 800 है, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, यह एक भारी संकट है। और पूर्व घटनाओं पर हम जब दृष्टि डालते हैं तो हम लोगों को यह मालूम है कि गालों को महाराज ययाति ने माधवी को दान में दे दिया है और गालव माधवी को लेकर आश्रम से निकल गया है। पुनः दृश्य 2 प्रारंभ होता है और मंच पर गालव अकेला खड़ा है। उसके मन में अनेक प्रकार के विचार आते हैं, जिसमें प्रेम के भी विचार आते हैं, लालच का भी भाव आता है, गुरु ऋण का भी भाव आता है। लेकिन मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हम तुम्हें यहाँ पर यह बता देना चाहते हैं कि तुम लोगों ने जब नाटक पढ़ा होगा तो यह अनुभव किया होगा कि गालव और माधवी दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं, लेकिन यह सत्य नहीं है, असत्य है। गालव और माधवी, या मात्र माधवी या सिर्फ गालव, एक दूसरे से प्रेम नहीं करते हैं, या इनका प्रेम एक पक्षीय भी नहीं है। ये भावनाओं के वश में होते तो हैं, लेकिन गालव का दंभ प्रेम के प्रस्फुटन को पनपने नहीं देता है, क्योंकि गालव को तो अपने गुरु विश्वामित्र को 800 श्यामकर्णी घोड़े देने हैं। इस घोड़ों के प्राप्त करने की दौड़ में वह कहाँ पहुँचेगा, अभी हम लोगों को इसका ज्ञान नहीं है। लेकिन बहुत जल्द नाटककार हमें इस बात का ज्ञान करा देगा कि इन श्यामकर्णी घोड़ों को प्राप्त करने के लिए गालों की जो रेस है वह उसे किस गर्त में ले जाकर गिरा देता है, और माधवी इन तमाम गर्तों से गुजरते हुए एक ज्ञान को प्राप्त करती है, आत्मबोध को प्राप्त करती है, और उसके भीतर इन तमाम परिस्थितियों से गुजरते हुए निर्णय लेने की क्षमता आती है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि ये दोनों आपस में प्रेम नहीं करते हैं, इनके प्रेम का प्रस्फुटन तो दूर, इनके प्रेम का बीज अकुआता भी नहीं है, वो ऐसे ही मिट्टी के भीतर दबे दबे पड़े
पड़े पड़े समाप्त हो जाता है। क्योंकि जहाँ दंभ है, जहाँ अहंकार है, जहाँ सम्मान नहीं है इस सृष्टि का, इस प्रकृति का, इस प्रेम का, वहाँ पर प्रेम के बीजों का प्रस्फुरण नहीं होता है। प्रेम विस्तार चाहता है, समर्पण चाहता है, लेकिन वह समर्पण हमें गालों में दिखाई नहीं देता है। हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि ये तो बिल्कुल सत्यनारायण भगवान की कथा की तरह है कि यह कथा कभी समाप्त नहीं होंगी। मैं फिर अपने को समेटती हूँ और आपके साथ पुनः जुड़ जाती हूँ। गालो के मन में यह लालच आता है कि माधवी के गर्भ से यदि हमारी संतान का जन्म होता है तो वह भी चक्रवर्ती राजा होगा। उसे लालच होता है कि चक्रवर्ती गालो माधवी को प्राप्त करके हमारे लिए तो संभावनाओं के जैसे द्वार खुलने लगे हैं। माधवी को पाने का अर्थ है चक्रवर्ती राजा तक बन जाने की संभावना। लेकिन पुनः वह अपने इस लालच को, इस विचार को झटक देता है और पुनः सोचता है कि मेरा मन कैसा विचलित हो रहा है। मैं तो वचनबद्ध हूँ क्योंकि मुझे गुरुदक्षिणा के रूप में ऋण चुकाना है। माधवी हमारे लिए ऋण चुकाने का माध्यम है, इससे अधिक वह कुछ भी नहीं है। लेकिन माधवी को 800 घोड़ों के बदले किसी राजा को देने का मतलब होगा माधवी को सदा के लिए खो देना। क्योंकि माधवी फिर उन्हीं की होकर रह जाएगी, हम पुनः उसे प्राप्त नहीं कर पाएंगे। या फिर ये संभव हो सकता है कि हम अपने गुरु के सामने समर्पण कर दें कि हम यह ऋण चुका नहीं पाएंगे। लेकिन जैसे ही यह भाव आता है, वह पुनः अनुभव करता है कि मेरे मन में कैसे छोटे छोटे क्षुद्र विचार उठने लगे हैं। ऐसा तो नहीं कि मैं अपने कर्तव्य को भूल रहा हूँ, मैं पथभ्रष्ट हो रहा हूँ, ये जो परिस्थितियाँ हैं मुझे परीक्षा में डाल रही हैं। और इसके साथ ही साथ हम चरित्र के दृष्टि से जब गालों को देखते हैं तो गालों के मन में एक कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष चल रहा है जिसको हम अंतर्द्वंद कहते हैं। ये हमें हमेशा ध्यान रखना है विद्यार्थियों कि जिस पात्र का अंतर्द्वंद, जिस पात्र का कॉन्फ्लिक्ट्स जितना बड़ा होता है, वह पात्र उतना ही बड़ा माना जाता है। क्योंकि यह अंतर्द्वंद ही पात्रों के चरित्र को हमारे सामने उकेर कर रखता है। गालो भी एक मनुष्य है और मनुष्य होने के नाते उसके मन में अनेक प्रकार की मनुष्योचित भावनाएं हैं, अनेक प्रकार का द्वंद है। हम गालो की तरफ से कठोर नहीं हो सकते क्योंकि गालो भी मनुष्य है। ये जो भी विचार उसके मन में आ रहा है, यह अंतर्द्वंद है, ये कॉन्फ्लिक्ट्स है। और यह अंतर्द्वंद आना गालों के मनुष्य होने की एक सहज प्रक्रिया है, न कि हम गालों की तरफ से कठोर हो जाएंगे। इस अंतर्द्वंद के चलने के साथ ही आकाशवाणी होती है
और गालव पुनः सचेत हो जाता है कि उसका उत्तरदायित्व क्या है। उसका उत्तरदायित्व मात्र इतना है उसके चरित्र की दृष्टि से कि उसे माधवी के माध्यम से गुरु दक्षिणा का ऋण चुकाना है। तभी दूसरी बार मंच पर माधवी का प्रवेश होता है। गालव माधवी को देखता रहता है। नाटक की यह विशेषता होती है कि मनुष्य का जो हाव भाव दिखाई देता है, जिसको कि हम लोग बॉडी लैंग्वेज कहते हैं, और जो देह की भाषा होती है, उस देह की भाषा से हम नाटक के बहुत सारे तात्पर्य और गुणों का पता करते हैं। जब गालव माधवी को देखता रहता है तो माधवी बोलती है, क्या देख रहे हो गालव? गालव ने कहा कि तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हें पाकर कोई भी राजा धन्य होगा। माधवी कहती है कि यह तुम क्या कह रहे हो गालव? गालव उससे पूछता है कि तुम क्या चाहती हो माधवी? माधवी को थोड़ा संकोच होता है, लेकिन वह बोलती है, मैं क्या चाहूंगी, मेरे चाहने से क्या होता है गालव? मैं तो तुम्हारी गुरु दक्षिणा का मात्र एक माध्यम हूं। गालव उसकी बात का जवाब देता है कि यह तुम क्या कह रही हो माधवी, तुम दानवीर ययाति की कन्या हो और तुम जिस बालक को जन्म दोगी वह चक्रवर्ती राजा बनेगा, तुम्हें तो देवताओं का वरदान प्राप्त है। लेकिन इस प्रशंसा के बाद भी माधवी में कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं होती है, और हम अनुभव करते हैं कि एक बहुत छोटी सी तुक्ष सी मुस्कान उसके होठों पर आती है और वो बहुत ही उपेक्षा के भाव से कहती है, फिर भी तो निमित्त ही बनूंगी गालव, आज तुम्हारे लिए कल किसी राजा के लिए, लेकिन हमारा स्थान सिर्फ निमित्त मात्र ही है। गालव तुम्हें बहुत बड़ा दायित्व निभाना है, माधवी पर क्या बात है, तुम बड़ी खोई खोई लग रही हो। गालव जैसे ही यह बोलता है कि तुम बड़ी खोई खोई सी लग रही हो, माधवी तीर की तरह छूट जाती है, वह चिड़चिड़ी हो जाती है और वह उत्तर देती है, क्यों, क्या मैं नाचूं, क्या मैं गाऊं, क्या मैं अपने भाग्य पर इठलाऊं? पिताजी ने आदेश दिया तो तुम्हारे साथ चली आई, तुम आदेश दोगे तो किसी राजा के रनिवास में चली जाऊंगी। गालव उसके इस उत्तर को सुनकर ठिठक जाता है, लेकिन कहता है, यह भी तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता माधवी। माधवी पूछती है, तो फिर तुम्हें अच्छा क्या लगता है? जो तुम्हें अच्छा लगता है वही तुम बता दो। यही कि तुम किसी राजा के रनिवास में रहने लगो और हम एक दूसरे से अलग हो जाएं, यही मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। दोनों क्षण भर के लिए मौन रहते हैं और एक दूसरे को देखते रहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान रखिएगा कि गालव और माधवी एक दूसरे को प्रेम नहीं करते हैं। माधवी पुनः कहती है, तू मुझे लाए तो इसलिए ही हो गालव। गालव, यदि मेरा बस चले तो मैं बड़े से बड़े राजा के लिए भी तुम्हें अपने से अलग नहीं होने दूं। माधवी कहती है कि तुम भावुक हो रहे हो और मेरे प्रति सद्भावना जताना चाहते हो क्या? ये बड़ा ही मार्मिक वाक्य है कि मेरे प्रति सद्भावना जताना चाहते हो क्या,
गालो, सद्भावना क्यों माधवी? तुम तो किसी राजा की पटरानी बनोगी। माधवी, लेकिन गालो ध्यान रखना, मेरा स्वयंवर तो नहीं होगा, मैं तो तुला पे चढ़ाई जाऊंगी, कोई राजा घोड़े देकर बदले में मुझे ग्रहण कर लेगा। गालो कहता है, लगता है तुम्हें यह अच्छा नहीं लगा। जाहिर सी बात है कि माधवी को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगा था, लेकिन फिर भी वह उत्तर देती है कि पिताजी का आदेश शिरोधार्य है। गालो, माधवी चुप रहती है